हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब लोग सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स के इस न्यू लॉन्च फाउंडेशन का जो कि है शुगर मैट मैच ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन ये शुगर का बिल्कुल न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है और इसे मैंने शुगर की ऑफिशियल वेबसाइट से बाई किया क्योंकि कहीं और ये अवेलेबल नहीं था आज से जब मैं चार पाँच दिन पहले इसको सर्च कर रही थी तो ये ना नायका पर्पल कहीं भी अवेलेबल नहीं था आ, फिर मैंने इसे शुगर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगाया और लगभग पाँच दिनों आज ये मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ आज ही रिसीव हुआ है और आज ही मैंने इसे ट्राई भी कर लिया राइट नाउ मैंने यही वाला फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है और काफी देर से लगा रखा है अच्छा लग रहा है इसकी फिनिश बहुत अच्छी है एंड बाय द वे मैं आपको इतना ज्यादा रेडी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी ये मेकअप लुक क्रिएट किया है ये मेरा रक्षाबंधन मेकअप लुक है मेरे चैनल पे जाके आप इस मेकअप लुक को देख सकते हो और इस मेकअप लुक में मैंने इसी फाउंडेशन को यूज किया है एंड ये बहुत अच्छा है इसकी फिनिश बहुत अच्छी है एंड ये फुल कवरेज है ट्रांसफर नहीं होता वाटरप्रूफ भी है तो अब मैं ज्यादा बातें नहीं करती फटाफट से इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ ये मेकअप लुक तो आप मेरे चैनल पे देख ही लोगे तो अब इसकी डिटेलिंग शेयर करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने इसको अप्लाई किया था इसकी आप कवरेज और फिनिश देखना आपको बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए आप इसकी डिटेलिंग देख लीजिए सो so, ये है गाइस शुगर का न्यू लॉन्च फाउंडेशन जो कि है शुगर मैट मैच ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन 599 हंड्रेड इसका एमआरपी है एंड जो शेड मैंने अपने लिए मंगाया है वो है 35। ये न्यूट्रल अंडरटोन के लिए था तो मैंने ये वाला शेड अपने लिए मंगाया आ, जब मैं इसको लगा रही हूँ तो ये एग्जैक्ट मेरी स्किन से बिल्कुल मैच कर रहा है क्योंकि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है ये वन शेड ऑक्सीडाइज चला जाता है सो तो इसकी वजह से क्या होता है मुझे ना इसके ऊपर लाइट कंसीलर हाई कंसीलर अप्लाई करना पड़ रहा है ये तो फेस कुछ देर बाद हल्का सा डल लग रहा है आई थिंक मैं नंबर थर्टी टू ले लेती जो कि गोल्डन अंडरटोन के लिए है थोड़ा सा लाइट है इस शेड से तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहता बट एनी ये भी जब मैं लगा रही हूँ फिर लाइट कंसीलर लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसकी फिनिश बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आप इसको हाथों से भी ब्लेंड करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है फुल कवरेज ये दे रहा है बहुत अच्छे से कोई भी स्पॉट था अगर मेरे फेस पे जो डार्क सर्कल्स थे अगर स्किन अन ईवन थी सब कुछ इस फाउंडेशन ने इतनी अच्छे तरीके से कवर किया ना अभी आप देखते जाइए जब मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी अभी हाफ फेस uh, पे अप्लाई किया और आप फर्क देख सकते हो जो भी स्किन मेरी अन ईवन थी उसको इसने कितने अच्छे तरीके से इवन किया है इस फाउंडेशन को मैं बहुत अच्छे से टेस्ट कर चुकी हूँ कैसे किया मैं जब घर से बाहर गई मैं इसे अप्लाई करके गई मैं गर्मी में थी तब मैंने इसको देखा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनफैक्ट जब बारिश भी पड़ी है ना अगर आप बारिश में चले जाते हो आपने ये फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बारिश के पानी से भी कहीं नहीं जाने वाला आप कहीं बीच एरिया पे जाते हो आपको मेकअप करना हल्का फुल्का सब वहाँ पे ये फाउंडेशन लगा के जाओगे ये वहाँ के पानी से भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से टेस्ट कर चुकी हूँ और ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद आया है और अगर ऑक्सीडाइज़ होने की बात करें तो देखो वन शेड तो मैक का फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हाफ या वन शेड अगर कोई फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें हमको करना क्या चाहिए फिर आप थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन ले लो या जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से एक हाइलाइटिंग कंसीलर से आप अच्छे से अपने फेस को हाईलाइट कर लो इससे आपके जो भी हाईलाइट्स पॉइंट्स होंगे वो डार्क नहीं पड़ेंगे लाइक अगर आपके माउथ एरिया के अराउंड थोड़ी सी डार्कनेस uh, है या आपको डार्क uh, सर्कल है ठीक है वो सब एरिया आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और बाकी जो फिनिश रहेगी वो नेचुरल रहेगी तो इसलिए ये फाउंडेशन से मेरा अच्छे से काम चल रहा है फाउंडेशन uh, बहुत अच्छा है नेक्स्ट टाइम मंगाऊंगी तो नंबर थर्टी टू जरूर ट्राई करके देखूंगी और इस तरीके से मैंने ये पूरा मेकअप लुक किया और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये वन शर्ड ऑक्सीडाइज हुआ और यहां मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा रही हूँ कि जब ये पानी के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता है सो डेफिनेटली ट्राई करो तो कैसा लगा आपको ये फाउंडेशन मुझे तो ये बहुत पसंद आया कवरेज बहुत अच्छी है ट्रांसफर प्रूफ है एंड ये ऑक्सीडाइज भी कुछ ज्यादा नहीं होता है इसका ऑक्सीडेशन टेस्ट मैंने कर लिया है वो शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी मैं भी उसको भी अपलोड कर दूंगी इसके बाद ही आप देख लेना ये ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता बाकी मैंने आपको इस वीडियो में भी थोड़ी झलक दिखा दी है कि ये कितना ऑक्सीडाइज होता है या नहीं सो so, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसको लेने की सोच रहे हो तो जरूर ट्राई कर लो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है नो डाउट सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो आपके लिए हेल्पफुल रही हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वाला मेकअप लुक जरूर देख लेना थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग